हाय ऑल, आज हम इन यांग का एक थ्योरी देखने वाले हैं जो ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में बहुत ही यूज़ होता है बीमारी को पहचानने के लिए, डायग्नोस करने के लिए। अगर आपको ये थ्योरी अच्छे से क्लियर है तो आप कोई भी बीमारी को आसानी से पहचान सकते हैं। हमारे बॉडी में इन यांग के डिसबैलेंस की वजह से ही कोई भी बीमारी होती है। जैसा आप इस प्रिज्म में देख रहे हो, जब एक वाइट लाइट इस प्रिज्म से क्रॉस करता है तो वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाता है। स्टार्टिंग के कलर्स को आप यांग बोल सकते हो, जहाँ पर रेड कलर आपको दिखेगा, और जब डार्क कलर्स बनते हैं तो उसे इन बोलते हैं। यहाँ पे 7 कलर्स बन रहे हैं, विवग्योर जिसे बोला जाता है। विवग्योर में क्या क्या कलर आ गए? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है रेनबो। बट अब इसे हम डायग्नोसिस में कैसे यूज़ कर सकते हैं ये मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो इसे देखने के लिए आपको ये देखना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर आप किसी भी बीमारी को देखते हो उसका कलर देखो। इसमें जैसे आपको दिख रहा है ये जो दाग है ये कौन से कलर का है? वायलेट, राइट? तो ये इन इन नेचर है, ठीक है। और भी चीज़ें मिलती हैं, जैसे इन में क्या नेचर होता है? एक्सपेंशन का। अगर बीमारी फैला हुआ है और दर्द नहीं हो रहा, ठीक है, तो पेन नहीं है, लेस पेन है तो भी वो, और क्रॉनिक है, तो ये सब सब इन के कंडीशंस हैं। तो ये बीमारी आपको ये जो दाग दिख रहा है इसमें दर्द भी नहीं होगा, इसमें एक्सपेंशन है, स्प्रेड है बहुत सारे लंबे एरिया में, और ये डार्कर कलर में है। अब जैसे ये दूसरा देखो, इसको देख के आप तुरंत समझ जाओगे ये यांग इन नेचर है, क्योंकि ये रेड है, पेन भी इसमें बहुत होगा, एक जगह पे कॉन्ट्रैक्टेड है। तो इस तरीके से हम इन और यांग पहचान सकते हैं। तो ये एक बहुत छोटी सी झलक दी मैंने आपको, इस तरीके से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इन यांग में, तो आप इसी तरीके से समझ सकते हो किसी भी बीमारी को। थैंक यू।